नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको कुछ छोटी सी इंटरेस्टिंग वर्ड की चीजें बताते हैं। एमएस वर्ड आप सभी लोग यूज करते हैं और ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनका उपयोग करके जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब मान लीजिए आपने कुछ लिखा हुआ है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, बैकस्पेस दबाते हैं। ये देखिए मैं बैकस्पेस दबा रहा हूँ, या फिर आप कहीं पर जाके ऐसे डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट होता जाएगा। अब दोस्तों इंस्टेड ऑफ दिस हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो डिलीट हो रही हैं चीज़ें ये जल्दी जल्दी हों और वर्ड्स में हों। दोस्तों एक एक वर्ड अगर डिलीट हो तो आपको एक्चुअल में देखिए इस तरीके से बैकस्पेस नहीं करना है, आपको कर्सर यहाँ लाना है, कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ आपको बैकस्पेस को प्रेस करना है। अब देखिए ध्यान से, ये हमने कंट्रोल प्रेस किया, बैकस्पेस अब हम प्रेस करेंगे। एक बार आप देख पा रहे होंगे ध्यान से दोस्तों हो क्या रहा है, एक बार में पूरा एक वर्ड जो है जैसे कस्टमाइज्ड पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए एंड पूरा डिलीट हो जाएगा, प्रोडक्शन पूरा डिलीट हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल प्रेस कर रखा है और मैं बैकस्पेस दबा रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये डिलीट करने का फास्ट तरीका है, इससे आप जल्दी जल्दी डिलीट कर सकते हैं अगर आपको डिलीट करना है तो। और आप अगर ऐसे करेंगे दोस्तों तो आपको ये एक एक जो है बैकस्पेस दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा तरीका था, अच्छा मेथड है उन लोगों के लिए जो बैकस्पेस और डिलीट बटन की जान निकाल देते हैं डिलीट कर करके। अब दोस्तों एक मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पर एक बना देते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, दूसरा मैं एक और नाम लिख देता हूँ, तीसरा मैं एक और नाम लिख रहा हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से सिलेक्ट होता है दोस्तों। ये नंबर जो है यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट हो रहे होते हैं और ये एक्चुअल में सारे डिलीट हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1, 2, 3 जो है ये हमारे सेलेक्ट ना हो, अकेला ये जो तीन नाम है, जैसे देखिए मैं अभी इसको सिलेक्ट करूँगा, नीचे आऊँगा तो ये 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे इस तरीके से वर्टिकली सिलेक्ट करना है दोस्तों तो आप यहाँ पर आइए, कर्सर को लेकर आइए, ऑल्ट बटन को प्रेस कीजिए और ऑल्ट बटन को प्रेस करने के साथ अब आप ध्यान से देखिए सिर्फ वही पोर्शन आपका सेलेक्ट होगा जितना पोर्शन आप चाहते हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। मैंने अल्ट को प्रेस कर रखा है और माउस के लेफ्ट बटन से मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है और अब मैं जो है इनको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। देखिए दोस्तों तो ये तीनों जो है यहाँ से इस तरीके से खाली हो गए हैं। एक और दोस्तों सबसे अच्छा ये आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आपको इनके बीच में स्पेस चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ जाते हैं और स्पेस बनाते हैं। आपको दोस्तों करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर कर्सर रखिए, कंट्रोल के साथ एक को दबा दीजिए तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ये देखिए मैंने पहले 2 दबाया दोस्तों तो उसमें जो गैप बढ़ना होता है वो गैप बढ़ चुका है, आप सभी लाइंस के बीच में देख रहे होंगे। और अब मैं कंट्रोल के साथ 1 दबा दूंगा तो वो दोबारा से जो है अपनी ओरिजिनल जगह पर चला जाएगा। तो कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ 2 को प्रेस करेंगे तो उसमें ये गैप आ जाता है, ये जो मार्जिन आप बीच में देख पा रहे हैं लाइन के, और दोबारा से कंट्रोल साथ एक करेंगे तो ये इस तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पर लाइंस दोबारा चली जाएंगी। तो दोस्तों ये 3 छोटे से टिप्स और ट्रिक्स थे, आपके काम आ सकते हैं और आप लोगों को इसका यूज़ पड़ सकता है दोस्तों, स्पेशली ये जो डिलीट करने का और ये जो वर्टिकली अल्टर के साथ। देखिए मैं किसी भी पोर्शन को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और उस पोर्शन को जो है मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी चीज़ है ये, इसको फॉलो कीजिए, इसका यूज़ कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको ट्रिक्स कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।